भारतीय टीम के साथ हुई पांचवें टेस्ट मुकाबले में बेईमानी। दोस्तों बेईमानी से जीता इंग्लैंड 7 विकेट से और अब ये मुकाबला पांचवा टेस्ट दोबारा खेला जाएगा। दोस्तों आप भी भारतीय टीम के सच्चे वाले फैन हो, आप भी चाहते हो पांचवा टेस्ट मुकाबला दोबारा हो, इस वीडियो को एक फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों पांचवें टेस्ट में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 416 रन बनाए पहली पारी में। इंग्लैंड की टीम को 284 रन के स्कोर पर रोक दिया भारतीय गेंदबाजों ने पहली पारी में। इंडिया की टीम ने दूसरी पारी में 245 रन बनाए और अब जीत के लिए चाहिए थे इंग्लैंड की टीम को 377 रन। पांचवें दिन के खेल खत्म होने से पहले इंग्लैंड की टीम ने 377 रन के लक्ष्य का पीछा कर लिया और इस मुकाबले को 7 विकेट के बड़े अंतर से जीता और इस सीरीज को इंग्लैंड की टीम ने 2-2 से बराबर करवा दिया। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में जो रूट ने सबसे ज्यादा 142 रन की नाबाद पारी खेली और जॉनी बेरेस्टो ने 114 रन की नाबाद पारी खेल डाली। दोस्तों इस मुकाबले में एम्पायर ने बेईमानी करवाई थी और एम्पायर की बेईमानी की वजह से ही अब यह मुकाबला दोबारा खेला जाएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में अब 3 मैचों की T20 सीरीज होगी, उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। जब ये दोनों सीरीज खत्म हो जाएंगी उसके बाद दोबारा से खेला जाएगा पांचवा टेस्ट मुकाबला।